इवन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटीरियम जो आर्डर है उसके अगेंस्ट में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं या नहीं, आइए देख लेते हैं। रिवीजन अंडर सेक्शन 115 सीपीसी अगेंस्ट आर्डर ऑफ द इंटीरियम मेंटेनेंस वेदर मेंटेनेबल आर नॉट, आइए देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। अंडर सेक्शन 43 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 नो अपील आर रिविजन शल लाई अगेंस्ट एन इंटरियम आर्डर पास्ड बाय अ फैमिली कोर्ट, के जो फैमिली कोर्ट ने जो इंटरियम आर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट में आप कोई भी रिविजन फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके ऊपर जो लैंडमार्क जजमेंट है हमारे पास 2010 MLD पेज नंबर है 726, PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट जो है पेज नंबर है 14, और 2016 MLD पेज नंबर 742 और 1986 CLC पेज नंबर 620। इन जजमेंट्स के अंदर क्या कहा गया है कि इन जजमेंट्स के अंदर कहा गया है कि रिवीजन डज नॉट लाई अंडर सेक्शन 115 CPC एज द मैटर पर्टेंस टू द फैमिली डिस्प्यूट फॉर व्हिच स्पेशल इनएक्टमेंट हैज बीन इनएक्टेड व्हिच प्रोवाइड्स रेजोल्यूशन ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स बिफोर द फोरम इंडिकेटेड, ठीक है। कि जहां तक ये बात की गई है इन जजमेंट्स के अंदर डिस्कस ये कहा गया है कि अगर स्पेशल इनएक्टमेंट है मतलब स्पेशल एक्ट है द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, उनके बावजूद आप जो है वो रिवीजन फाइल नहीं कर सकते सीपीसी को लेकर, सीपीसी एक जनरल लॉ है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या जजमेंट्स हैं कि अगर इवन जो हमारे पास सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो वो हाई कोर्ट्स के अगर सबॉर्डिनेट हो फिर भी जो है ये आप अपॉर्चुनिटी अवाइल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।